आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के तहत विगत 3 दिनों से नरभक्षी पेंथ ने अलग अलग गांव की बस्ती में प्रवेश कर एक बालक, युवा एवं महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई। साथ ही मुर्गे, बकरी सहित अन्य पशुओं को भी अपना शिकार बनाया। आज शाम को 5 बजे करीब महिला गनी देवी पत्नी बस्सू मीना उम्र 50 वर्ष अपने घर के समीप खेत पर बकरियों को लेने गई थी कि पेंथ ने हमला कर दिया, जिसके पश्चात उस महिला की मृत्यु हो गई। साथ ही दोनों घायलों का धरियावत हॉस्पिटल में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीना आज रात्रि 8 बजे धरियावत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दोनों घायलों की कुशल खेम पूछी एवं मृतक महिला के परिजनों को वन अधिनियम के तहत सरकार की ओर से आर्थिक लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीना ने पेंथ को पकड़ने के लिए वन विभाग के जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता कर तत्काल प्रभाव से समस्त जाप्ता व संसाधन लगाकर नरभक्षी पेंथ को पकड़ने के लिए आग्रह किया, जिस पर उदयपुर CCFR के बेरवा, चित्तौड़गढ़ DFO डॉक्टर टी मोहनराज एवं प्रतापगढ़ DFO सुनील कुमार सिंह को निर्देश देते हुए गुरुवार को ही पेंथक को पकड़ने के लिए सख्त निर्देश दिए। इस दौरान प्रतापगढ़ अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीना, उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई, तहसीलदार शांतिलाल जैन, चिकित्सक जितेंद्र बागदिया एवं दिग्विजय सिंह सहित पुलिस प्रशासन एवं हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित था। खबर आपकी राजस्थान से, हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। रवाना हो गया यहाँ पे और आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास ऑफिस पर जाकर बात भी उनको फोन करके भी दिया। वहाँ से उदयपुर जो इनका इंचार्ज बैठता है उनसे मेरी बात, CCF बैठता है उनसे मेरी बात होगी और उसके बाद में DFO उदयपुर से ही बात होगी, DFO चित्तौड़ से ही बात होगी, DFO प्रतापगढ़ से ही बात होगी। किसी चार पिंजरे यहाँ अलग अलग जगह से रवाना हो चुके हैं और अभी वहाँ रेंजर साहब भी वहीं हैं और पूरी तरीके से जो घायल हैं उनके भी आर्थिक सहायता कराएंगे, जो मर गए हैं उनके भी परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी और आने कल किसी भी हालत में, मैंने DFO साहब से बात कर ली, ऊपर भी बात कर ली, कल किसी भी हालत में पेंथर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अगर वन विभाग के कार्मिक कम पड़ते हैं तो पुलिस के जवान भी जाएंगे और गाँव वालों के सहयोग से किसी भी हालत में कल इसको पकड़ा जाएगा। क्या क्या व्यवस्था रहेगी? रेस्क्यू में 4 पिंजरे तो यहाँ से रवाना हो गई, रेस्क्यू टीम भी वहाँ से रवाना हो गई है और नेट भी वहाँ से पहुँचा दी गई है और बहुत जल्दी, ये अगर मुझे पहले ही सूचना हो जाती तो अभी स्थिति पैदा ही नहीं होती। नहीं, जैसे मुझे सूचना मिली है मैं खुद मौके पे पूरे दिन कार्यक्रम व्यस्त था, उसके बाद में आ गया हूँ। मैं तो वहीं चला जाता लेकिन वहाँ 7-8 किलोमीटर तक गाड़ी जाती नहीं है, तो ऐसा कहा सब साहब ने कहा यहीं आ जाओ तो यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से कल सारे अधिकारी, विभागीय अधिकारी भी पहुँच जाएंगे, पुलिस के अधिकारी पहुँच जाएंगे और SDM साहब भी कल रहेंगे मौके पर और करके